क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक नरेशन। प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट नरेशन के बारे में है। पार्ट फर्स्ट मेंशनड ऑन पेज नंबर 40 टेक्स्ट बुक इंग्लिश सीरीज ट्यूलिप। First of all, I will ask you a question. What is narration? Dear students, the art of reporting the words of a speaker is called narration. I will repeat again. The art of reporting the words of a speaker is called narration. Narration means बयान। किसी बयान को हम नरेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। नंबर वन, डायरेक्ट स्पीच। नंबर टू, indirect speech. Again, I will ask you a question. What do you mean by speech? The talk of a person is called speech. The talk of a person is called speech. Whatever we speak or talk is called speech. Yani ki speech means कोई तकरीर, कोई बात। यानी कि तकरीर से आपका क्या मतलब है? द टॉक ऑफ स्पीकर, द टॉक ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड स्पीच, और वट एवर वी स्पीक और टॉक इज कॉल्ड स्पीच। दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो where we will learn about direct speech and indirect speech.